हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज जिस राइटर के बारे में हम बात करेंगे उनका नाम है ए रेवती। कौन है ये राइटर, क्यों इम्पोर्टेंट है, सारी डिटेल्स उनकी लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं ए रेवती के बारे में कौन है। ये है ए रेवती। ए रेवती इज अ बेंगलोर बेस्ड राइटर। बेंगलोर बेस्ड राइटर है एंड एन एक्टिविस्ट वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटीज। बेसिकली एक ये एक्टिविस्ट हैं जो एक जो सोशल माइनॉरिटीज हैं उनके लिए काम करती हैं, प्लस एक बेंगलोर बेस्ड राइटर हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2021 में यूजीसी नेट में उनके वर्क्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम इस राइटर को कवर कर रहे हैं। She is also a trans woman and belongs to the Hijra community. Basically, वो एक trans woman है और Hijra community से जो है belong करती हैं। उनके personal life के बारे में बात करते हैं। Mothers और fathers के बारे में, उनकी date of birth के बारे में information नहीं है। रेवती वॉज बोर्न एज डोरेस स्वामी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नामाकाल इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक स्टेट था नामाकाल, जहाँ पे रेवती का जन्म हुआ था। और रेवती जो बोर्न हुई थी, वो उनका बचपन का जो नाम था वो डोरे स्वामी था। She was assigned a male gender based on physiology, और उनकी फिजियोलॉजी के हिसाब से उनका जो जेंडर था वो मेल था, यानी वो एक बॉय थी बाय बर्थ। As a child, Revati experienced violence in her school and within her family for her feminine ways. और स्कूल में भी रेवती को बहुत सारे वायलेंस का सामना करना पड़ा था, और घर के अंदर भी उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि उनके जो वेज थे वो फेमिनिन थे, यानी लड़कियों की तरह वो बिहेव करती थी। ऑब्वियसली वो एक लड़का थी, लेकिन वो बिहेव एक लड़कियों की तरह करती थी। उनको बड़ा शौक था कि वो अपनी मदर के मेकअप किट को यूज करती थी, उनकी जो ड्रेसेस पहनना वो पसंद था, और भी बहुत सारी चीजें थी। शी प्रेफर्ड प्लेइंग विद यंग गर्ल्स ओवर बॉयज, और वो लड़कों को के साथ खेलने की बजाय लड़कियों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करती थी। ड्रेस अप एज ए वीमन इन हर मदर्स क्लोथ्स, अपने मदर्स के कपड़े उठाती थी, उनको पहनने का शौक होता था, क्योंकि ओब्वियसली उनके अंदर जो क्वालिटीज थी वो एक वीमन की क्वालिटीज थी। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड बाय द फीलिंग ऑफ बींग अ फीमेल ट्रैप्ड इन ए मेल बॉडी, और उनको बेसिकली ये लगता था कि उनकी जो एक मेल बॉडी है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रैप हो रही है एक फीमेल, तो वो उस फीमेल को बाहर निकालना चाह रहे थे। हर पर्सनल एंड सोशल हार्डशिप अफेक्टेड हर एकेडमिक परफॉर्मेंस, और जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल और घर पे भी उनको काफी ज्यादा वायलेंस का को फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा जो उनकी एकेडमिक जो लाइफ थी वो उस पर परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ। सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारा जो है उनकी लाइफ पे इफेक्ट किया, क्योंकि ओब्वियसली एक वो बॉय थी लेकिन बिहेव एक लड़कियों की तरह करती थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ा। एंड शी हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एज ए रिजल्ट हैविंग फेल्ड इन द 10th ग्रेड, और 10th में वो फेल हुई और उनको स्कूल से निकाल दिया गया। हाउएवर व्हेन शी फर्स्ट मेट ए ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द कोथी कम्युनिटी During a school trip to Namakkal, she felt a sense of kinship and decided to run away to Delhi. हालांकि एक बार उसको एक ग्रुप के साथ ट्रिप करने का मौका मिला बाहर जाने का, और उसके साथ वहां पे ट्रिप के दौरान ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहां से भाग के दिल्ली चली जाएंगी। So that she could be true to her gender identity. ताकि वो अपनी जेंडर जो उनकी आइडेंटिटी है उसका पता लगा सकें, और वो जो बनना चाह रही हैं वो बन पाए, इसके लिए उन्होंने घर को छोड़ दिया।
In Delhi, she met a group of people belonging to Hijra community and began living with them. और यहाँ पे आके उन्होंने हिजरा कम्युनिटी के लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया. She later underwent a sex change operation, which was considered a rite of passage to get formally initiated into the Hijra household. और बाद में उन्होंने जाके यहाँ पे रहते हुए ही अपना सेक्स चेंज कर लिया और उसके बाद यहाँ पे घर के अंदर ही उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया. Post her operation, she was re-christened as Revati by the gurus or head of the household. और जो घर के जो बड़े थे, जो गुरु थे, उन्होंने ही जो है उनको दोबारा से उनका नाम चेंज किया और उनका नाम जो है वो रेवती रख दिया. Though she could finally be true to her gender identity, और अब फाइनली जाके उनको उनकी जो ट्रूली जेंडर आइडेंटिटी थी वो उनको फाइनली मिल गई थी. But Revati discovered the harsh realities of life as a Hijra, where social exclusion, violence and sexual assault were all too common. ये लेकिन यहाँ पे इन लोगों के साथ रह के Revati ने फील किया कि जो Hijra community है उनकी life की realities क्या है, क्या उनको social society के अंदर लोग उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, violence उनके साथ कितना होता है, उनका कितनी बुरी तरह से अपमान किया जाता है, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे आके देखी. She has to resort to several odd jobs to survive, including dancing at weddings, begging and sex work. और यहाँ पे रहते हुए उनको बहुत सारे और जॉब्स करने पड़े, शादियों में डांस करना, भीख मांगना और जो सेक्स वर्क है वो सारे के सारे काम उन्होंने किए यहाँ पे. After some months, tired of life in Delhi, she ran away and went back home. उसके कुछ टाइम के बाद जो है वो दिल्ली की लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वापस अपने घर चली गई. But here she discovered she was not welcome. लेकिन यहाँ पे अपने घर पे आके वापस उन्होंने फील किया कि उनको वेलकम नहीं किया गया, घर के लोग उनको अभी भी पसंद नहीं कर रहे थे. She subsequently left her home in Tamil Nadu and moved to Bangalore for work. और यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और बैंगलोर में आके काम करना शुरू कर दिया. While she initially took to sex work, she finally got a job at Sangama, an NGO working for the rights of sexual minorities. और finally फिर उन्होंने एक NGO group था Sangama, जिसके जो sexual minorities के rights के लिए काम करता था, यहाँ पे इन्होंने work करना finally शुरू कर दिया. Here she was exposed to activist meetings and learned more about her rights. और यहाँ पे आके जो social activists थे उनसे ये मिली, बहुत सारी meetings के में भी उनके साथ रही वो, और finally उन्होंने अपने जो rights हैं उनके बारे में इसको पता चला. While she started off as a peon in the organization, finally जब वो starting हुई थी यहाँ पे job करने के लिए तो वो as a peon start हुई थी. She rose in the ranks and finally ended up as a director. और धीरे धीरे वो अपने रैंक से बढ़ती गई. एक चपरासी से उन्होंने शुरू किया था काम करना और धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन से फाइनली वो यहाँ पे एक डायरेक्टर के रूप में लग गई. टू सोर्सेस मेंशन ए ब्रीफ मैसेज विद ए को वर्कर एट संगमा. और कुछ सोर्सेस ये बताते हैं कि उनके एक मैरिज भी हुई थी अपने किसी को वर्कर के साथ यहाँ पे एनजीओ में ही. शी वर्क्स नाउ एज अ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट बेस्ड इन बेंगलोर. और वो अभी फिलहाल जो है वो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए काम करती हैं बेंगलोर में रहके. अब उनकी लिटरेरी वर्क्स और अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं. Revati पब्लिश्ड हर फर्स्ट बुक इन तमिल, उनार बुम उरा बमुम, आवर लाइव्स आवर वर्ड्स, इंग्लिश इसका मीनिंग है आवर लाइव्स आवर वर्ड्स, इन 2004 के अंदर इन्होंने एक वर्क पब्लिश किया अपना. इट इज अ कलेक्शन ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू Hijra कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया. और ये बेसिकली एक वर्क था कि साउथ इंडिया के अंदर जो Hijra कम्युनिटीज हैं उन रियल लाइफ स्टोरीज हैं पीपल्स की, वो इन्होंने इसके अंदर बताई है.
इस वर्क के अंदर. शी क्रेडिट्स द बुक विद इंस्पायरिंग अदर हिजरा राइटर्स टू पब्लिश देयर ओन बुक्स. और उनके इस वर्क ने बाकी और जो हिजरा का राइटर्स थे उनको भी इंस्पायर किया कि वो भी अपने वर्क को पब्लिश करें, सच एज प्रिया बाबू नान सर्वानन आला. एक और ट्रांसजेंडर राइटर है प्रिया बाबू, उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया 2007 में. एंड विद्या, ये भी एक और ट्रांसजेंडर राइटर है, उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया आई एम विद्या 2008 के अंदर. यानी रेवती के वर्क्स ने इंस्पायर करा इन बाकी ट्रांसजेंडर राइटर्स को कि वो भी अपना वर्क पब्लिश करे. फॉलोइंग दिस शी डिसाइडेड टू राइट अबाउट हर ओन एक्सपीरियंसेस. और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने खुद के एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगी राइटिंग के थ्रू. शी पब्लिश्ड हर सेकेंड बुक द ट्रूथ अबाउट मी हिजरा लाइफ स्टोरी इन 2010. और ये उन्होंने अपनी सेकेंड बुक पब्लिश की 2010 के अंदर, द ट्रूथ अबाउट मी हिजरा लाइफ स्टोरी. ये इनका वर्क था और यही नेट का क्वेश्चन था 2021 का. एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि ये वर्क किस राइटर का है, द ट्रूथ अबाउट मी हिजरा लाइफ स्टोरीज. तो फोर ऑप्शंस थे, अलग अलग थ्री राइटर्स थे, मैं बता दूंगी कौन कौन से थ्री राइटर्स और थे, और उसके साथ ए रेवती की भी थी. तो फोर ऑप्शंस थे, फोर ऑप्शंस में थे ए रेवती जो है वो राइट आंसर था. तो ये इनकी वर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. द बुक वॉज रिटन इन तमिल एंड ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाय फेमिनिस्ट हिस्टोरियन वी गीता. वी गीता ने जो है इस वर्क को ट्रांसलेट किया है. ये बेसिकली वर्क जो है वो तमिल में राइट किया गया था, लेकिन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की थी वो इसकी वी गीता ने की थी. तो एक ऑप्शन था वी गीता, दूसरा था ए रेवती, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रेवती शी इनिशियली रिलीज द बुक इन इंग्लिश. रेवती ने डिसाइड किया कि पहले वो उस बुक को इंग्लिश में रिलीज करेंगी, तमिल में नहीं करेंगी. नॉट तमिल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद हर फैमिली, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी फैमिली के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, और वो अगर अपनी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी उस वर्क के अंदर आ रही है. तो उन सारे कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए उन्होंने इस वर्क को इंग्लिश में पब्लिश किया सबसे पहले. द बुक वॉज इवेंचुअली पब्लिश्ड इन तमिल एज वेलई मोजही इन 2011. और बुक जो है तमिल में पब्लिश हुई 2011 के अंदर वेलई मोजही के नाम से. शी इज साइटेड अ वेरी प्रोमिनेंट तमिल दलित राइटर बामा एज वन ऑफ हर मेन इंस्पिरेशन. और इस बुक के अंदर उन्होंने स्पेशली साइटेड किया है एक तमिल दलित राइटर बामा को, जो उन्होंने कहा है कि वो उनकी मेन इंस्पिरेशन रही है. अब उनके फिल्मी कैरियर के बारे में बात करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट पहले, द अमेरिकन कॉलेज इन मदुरई हैज इंक्लूडेड द ट्रूथ अबाउट मी अ हिजरा लाइफ स्टोरी एज पार्ट ऑफ इट्स थर्ड जेंडर लिटरेचर सिलेबस. और मदुरई के अंदर द अमेरिकन कॉलेज ने जो है ए रेवती के इस वर्क को, जो उनका वर्क है द ट्रूथ अबाउट मी हिजरा लाइफ स्टोरी, इसको अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया है, और थर्ड जेंडर लिटरेचर के जो सिलेबस है उसके अंदर इस वर्क को इंक्लूड किया गया है. इन 2019 हर नेम वॉज पुट अप एज बटलर लाइब्रेरी इन कोलम्बिया यूनिवर्सिटी. 2019 के अंदर उनका नाम जो है वो बटलर लाइब्रेरी कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के अंदर लिया गया है, विद नेम्स विद लाइक माया एंजेलो एंटोनी मॉरिसन एंड रिमेंड देयर थ्रू आउट दी होल सेमेस्टर. और ये जो है पूरे सेमेस्टर जो है वो रहेगा. रेवती आल्सो मेड हिस्ट्री इन 2008 बाय मेकिंग हर एक्टिंग डेब्यू इन अ तमिल फिल्म देन वेत्तु विच हैड टू ट्रांसजेंडर लीड एक्ट्रेस. और रेवती ने 2008 के अंदर अपना जो है डेब्यू किया मूवीज के अंदर, और ये एक तमिल मूवी थी जिसके अंदर उन्होंने रोल किया था. इन 2012 शी स्टार्ड इन अ गेस्ट रोल इन अ मलयालम मूवी अंतराम विच इज चेन्नई ट्रांस व्यूमन नेहास मलयालम डेब्यू. और ये जो चेन्नई की ट्रांस व्यूमन है
नेहा, उनकी मलयालम की डेब्यू जो मूवी है उसमें भी एक गेस्ट रोल ए रेवती ने किया है। इस मूवी का नाम है अंतरम। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैटर ये नहीं करता कि आप मेजर राइटर कवर कर रहे हो या माइनर राइटर कवर कर रहे हो। इम्पोर्टेंट ये है कि बेसिकली अगर वो क्वेश्चंस नेट में आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट है तो हमें सारे ही राइटर्स कवर करने पड़ेंगे। तो ए रेवती ऐसे कोई मेजर राइटर नहीं है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें नोन हो, तो माइनर राइटर हैं, फिर भी इम्पोर्टेंट है अगर नेट में क्वेश्चन आया है। तो आई होप कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर।